What's up guys, Sanjot Keer here, welcome to IFL. Burnt garlic fried rice with paneer in soy basil sauce की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी है और बर्न्ड गार्लिक फ्राइड राइस मैं जैसे बनाता हूँ, थोड़ा क्रिस्पी गार्लिक उसके अंदर डालकर बहुत ही डिलिशियस रेसिपी बनती है. तो क्रिस्पी गार्लिक कैसे बनाते हैं, सबसे पहले बर्न्ड गार्लिक फ्राइड राइस के लिए वो देख लेते हैं. अब एक पैन के अंदर 1/3 cup ऑयल ऐड कर रहा हूँ. तेल को आपको अच्छे से थोड़ा सा गर्म कर लेना है. मॉडरेटली हॉट आपका तेल होना चाहिए. यहाँ पर तेल मॉडरेटली हॉट हो गया है. इसके अंदर मैं 1/2 cup लहसुन डाल रहा हूँ. अब जो लहसुन मैंने ऐड किया है उसको चॉप किया हुआ है. अगर आपके पास एक चॉपर है तो चॉपर में इसे घुमा लीजिए. बहुत ज़्यादा फाइन नहीं करना है, जैसे चॉप्ड गार्लिक होता है वो वाला आपको कंसिस्टेंसी रखनी है. अब गार्लिक को आपको धीरे धीरे मीडियम लो फ्लेम के ऊपर फ्राई करना है, जब तक कि ये लाइट गोल्डन ब्राउन कलर का नहीं हो जाता है. गार्लिक को फ्राई करते वक्त कंटिन्यूसली स्टर करते रहिए. सभी बाजू से अच्छे से गार्लिक फ्राई होना चाहिए. टेक्निक ये है, जैसे हम रिश्ता फ्राई करते हैं बिरयानी के लिए प्याज को फ्राई करते हैं, उसी तरीके से आज गार्लिक हम फ्राई कर रहे हैं. क्रिस्पी गार्लिक हमको बनाना है. आप देख सकते हो धीरे धीरे मैंने अच्छे से मिक्स करते हुए गार्लिक को फ्राई किया है और इसका कलर लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुका है. जैसे ही ये वाला कलर आ जाए गार्लिक में तो आपको निकाल लेना है. इससे ज़्यादा नहीं पकाना, नहीं तो बिटर हो जाएगा गार्लिक. तो गार्लिक को निकालिए, एक छन्नी में डाल दीजिए. छन्नी में डालते ही प्रेशर अप्लाई करके चम्मच से सारा तेल निकाल लेना है. अगर तेल रह जाएगा इसके अंदर तो एक तो सॉगी हो जाएगा गार्लिक और दूसरा बहुत ज़्यादा डार्क कलर हो जाएगा क्योंकि तेल गर्म है और बिटर हो जाएगा लहसुन. इस बात का आपको एकदम ध्यान देना है. आप देख सकते हो तेल निकलने के बाद गार्लिक अच्छे से एकदम खुल गया है, कलर भी एकदम परफेक्ट थोड़ा सा डार्क हो गया है कैरी फॉरवर्ड कुकिंग से और एकदम क्रिस्पी गार्लिक यहाँ पर रेडी हो गया है. अब ये जो तेल निकला है गार्लिक से और जो तेल हमने फ्राई करने के लिए यूज़ किया था, इसमें गार्लिक का बहुत ज़्यादा फ्लेवर है. ये गार्लिक ऑयल बन चुका है और ये कई सारी रेसिपीज़ में गार्लिक वाला फ्लेवर देने के लिए यूज़ कर सकते हो. फ्राइड राइस बनाने के लिए भी मैं सेम तेल का इस्तेमाल करने वाला हूँ. अब फ्राइड राइस बनाने के लिए एक वॉक ले लिया मैंने. वॉक को बहुत अच्छे से गर्म कर लेना है तेल डालने से पहले. तो अब वॉक हाई फ्लेम पर एकदम गर्म हो चुका है. इसके अंदर मैं 1 tablespoon गार्लिक ऑयल ऐड कर रहा हूँ. साथ ही में 2 tablespoon यहाँ पर मैंने फ्रेश गार्लिक ऐड कर दिया है चॉप किया हुआ. अब गार्लिक को आपको जब तक ये थोड़ा सा लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता है तब तक पकाना है एकदम हाई हीट के ऊपर. अब आप देख सकते हो इस स्टेज के ऊपर 2 tablespoon स्प्रिंग अनियन का जो सफ़ेद हिस्सा होता है वो ऐड कर दिया है. साथ ही में 1 tablespoon स्प्रिंग अनियन का हरा हिस्सा है वो ऐड कर दिया है. अब प्याज और लहसुन को आपको फिर से हाई हीट पर थोड़ा कुक करना है. इस स्टेज पर जो लहसुन है उसको थोड़ा सा ओवर कुक कर देना है, हल्का सा जो वो बर्न्ट फ्लेवर है वो इस स्टेज पर आ जाएगा. तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको और कुक कर रहा हूँ कि जब तक कि गार्लिक थोड़ा सा डार्क नहीं हो जाए और गार्लिक में हल्का सा बर्न्ट फ्लेवर नहीं आ जाए तब तक इस गार्लिक को कुक कर रहा हूँ. तो गार्लिक एक बार इस स्टेज तक पक जाए तो इसके अंदर आपको राइस ऐड कर देना है. यहाँ पर मैंने 3 cup कुक्ड सैला बासमती राइस ऐड कर रहा हूँ. साथ ही में टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर रहा हूँ, 1 चुटकी वाइट पेपर पाउडर, 1 चुटकी शक्कर, 1 teaspoon एरोमेट पाउडर, 1 teaspoon लाइट सोया सॉस, 1 अच्छे मुट्ठी भर स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स, 1 teaspoon विनेगर और 2 teaspoon हमने जो क्रिस्पी गार्लिक तैयार किया है वो ऐड कर दिया है. सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद आपको हाई फ्लेम पर ही अच्छे से टॉस करना है फ्राइड राइस को. अच्छे से सारे इंग्रेडिएंट्स को मिला लीजिए और कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए आपको पकाना है. अच्छे से टॉस करते रहिए, मिक्स करते रहिए हाई फ्लेम के ऊपर. सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिल जाने चाहिए और जो राइस है वो अच्छे से गर्म हो जाने चाहिए. अब आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं ये फ्राइड राइस और हमारे जो बर्न्ड गार्लिक फ्राइड राइस हैं वो रेडी हो गए. तो रेस्टोरेंट स्टाइल बर्न्ड गार्लिक फ्राइड राइस मैंने बना लिए और इसी तरीके से मैं घर पे बनाता हूँ. अक्सर नॉन वेजिटेरियन वर्जन भी बनाता हूँ तो एग डाल देता हूँ इसमें या एग और चिकन डाल देता हूँ, वो वर्जन भी बहुत अच्छा लगता है. तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन खाते हो तो एग्स और थोड़ा सा स्टर फ्राई करके चिकन इसके अंदर ऐड कर सकते हो. अब राइस जो मैंने आज यूज़ किए सैला बासमती यूज़ किए हैं. 3 cup जो क्वांटिटी है वो कुक्ड वाली क्वांटिटी है. अनकुक्ड जो राइस है लगभग 3/4 cup से थोड़ा सा कम राइस आप सोक कीजिए और फिर उसको पकाकर ठंडा करके आपको यूज़ करना है. फ्राइड राइस के लिए राइस परफेक्टली कैसे कुक करते हैं वो मैंने पहले आपके साथ शेयर किया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे छोड़ दूंगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं. अब एरोमेट पाउडर भी काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि क्या है ये चीज़ कमेंट्स के अंदर. तो एरोमेट पाउडर एक टेस्ट एनहांसर होता है, काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स में यूज़ किया जाता है MSG की जगह पर. तो अगर अजीनोमोटो या MSG नहीं यूज़ कर रहे हो और टेस्ट एनहांसर ऐड करना है तो एरोमेट पाउडर यूज़ कर सकते हो. अगर स्किप करना चाहते हो तो कर सकते हो. अगर आपको
अजीनोमोटो या एमएसजी पसंद है और आप यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा एमएसजी डाल दीजिए तो फ्राइड राइस बहुत टेस्टी लगते हैं। अगर स्किप करना चाहते हैं तो कम्प्लीटली स्किप कर सकते हो। अब फ्राइड राइस रेडी हो गए, नेक्स्ट हमें पनीर एंड सोए बेसिल सॉस बनाना है। उसके लिए पनीर को पहले कोट करके फ्राई करना है, उसकी तैयारी कर लेते हैं। पनीर को कोट करने के लिए जो बैटर तैयार करना है उसके लिए एक बोल के अंदर 1/3 कप कॉर्नफ्लावर, 1/4 कप मैदा यानी रिफाइंड फ्लावर, टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा नमक, 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून तेल यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया। अब आपको धीरे धीरे पानी ऐड करना है और एक सेमी थिक बैटर बनाना है। तो धीरे धीरे पानी ऐड कीजिए, एक विस्क या फोक का इस्तेमाल कीजिए और अच्छे से मिक्स करते रहिए। आपको एक लम्प फ्री बिना गुठलियों के बैटर बनाना है। इनिशियली थोड़ा थोड़ा पानी डालिए, थोड़ा थिक बैटर एक तैयार कर लीजिए और फिर वो बैटर को और पानी डालकर इसकी कंसिस्टेंसी आप एडजस्ट कर सकते हो। अब आप देख सकते हो बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं है, एक लम्प फ्री सेमी थिक बैटर मैंने तैयार कर लिया है। इसी कंसिस्टेंसी का बैटर आपको कोटिंग के लिए तैयार करना है। अब पनीर को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है। आपका तेल एकदम अच्छे से गर्म होना चाहिए, अराउंड 170 डिग्री सेल्सियस पर, या आपका तेल मॉडरेटली हॉट से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म होना चाहिए। यहाँ पर मैंने 350 ग्राम पनीर को क्यूब्स में कट करके रखा हुआ है। अब इन पनीर क्यूब्स को आपको कोट करके फ्राई करना है। तो बैटर के अंदर कोट कीजिए, एक्सेस बैटर को गिरने दीजिए और तेल के अंदर ऐड करके फ्राई कीजिए। मीडियम हाई फ्लेम पर ही आपको फ्राई करना है। पनीर को अंदर से पकाना तो है नहीं ज़्यादा, खाली जो कोटिंग है उसको क्रिस्प तरीके से आपको फ्राई करना है। यहाँ पर आपके पास 2 तरीके हैं, एक तो आप डायरेक्टली इसको थोड़ा सा लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर सकते हैं, या अगर आपको एकदम एक्स्ट्रा क्रिस्पी पनीर चाहिए तो पहले आप इसको थोड़ा सा एक बार कोटिंग पकड़ ले तो बाहर निकाल दीजिए, 3-4 मिनट का रेस्ट दीजिए और फिर एकदम गरम गरम तेल के अंदर फ्लैश फ्राई कीजिए, सेकेंड टाइम फ्राई कीजिए तो और क्रिस्पी पनीर हो जाएगा। मैं आज सिंगल फ्राई कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो अभी पनीर एकदम परफेक्टली फ्राई हो गया है। पनीर को एक स्पाइडर की मदद से निकाल लीजिए तेल से और एक छन्नी में ऐड कर दीजिए। छन्नी में ऐड करने से इसका जो एक्सेस तेल है वो निकल जाएगा। अब ग्रेवी बनाने के लिए एक वॉक को मैं यहाँ पर अच्छे से गर्म कर रहा हूँ। हाई फ्लेम पर कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लीजिए और फिर इसके अंदर 1 टेबलस्पून तेल, 1 इंच चॉप किया हुआ जिंजर, 1/4 कप चॉप किया हुआ लहसुन, 1 से 2 स्लिट की हुई ग्रीन चिलीज और 1/4 कप स्प्रिंग अनियन का सफ़ेद हिस्सा चॉप किया हुआ मैंने ऐड कर दिया है। अब अदरक और लहसुन को आपको हाई फ्लेम पर 1 मिनट के लिए बस कुक करना है। फटाफट स्टर कीजिए, 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर कुक कर लीजिए। अब यहाँ पर मैं 1/2 कप ट्राइंगल किया हुआ प्याज और ट्राइंगल्स में कट किया हुआ 1/2 कप कैप्सिकम ऐड कर रहा हूँ। साथ ही में 400 से 500 ml वेजिटेबल स्टॉक इसमें मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। स्टॉक ऐड करते ही 1 टीस्पून हरी मिर्च की पेस्ट, 1 टेबलस्पून लाइट सोया सॉस, 1 से 2 टीस्पून डार्क सोया सॉस, 1 टीस्पून विनेगर, 1 चुटकी भर वाइट पेपर पाउडर, 1 टीस्पून शक्कर और टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा सॉल्ट। अब आपको सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिला लेना है। ध्यान देना है नमक ज़्यादा नहीं ऐड करना है, सोया सॉस में भी नमक होता है, तो एक बार आप लास्ट में ग्रेवी को टेस्ट करके सॉल्ट बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं। अभी अच्छे से स्टर करके एक बॉईल आने तक आपको पकाना है। फटाफट 1-2 मिनट में बॉईल आ जाए इस स्टेज पर इस ग्रेवी को आपको थिक करना है। ग्रेवी को थिक करने के लिए कॉर्नस्टार्च की स्लरी बना रहा हूँ। 2 टीस्पून कॉर्नफ्लावर और 2 टीस्पून पानी को अच्छे से मिला लीजिए और एक लम्प फ्री स्लरी बना लीजिए। स्लरी को आपको धीरे धीरे ऐड करना है, धीरे धीरे स्लरी को ऐड करो, अच्छे से मिक्स करते रहो और देखो जब तक ग्रेवी थिक नहीं हो जाती है तब तक ही आपको स्लरी ऐड करनी है। एक साथ पूरी स्लरी ऐड मत कर दीजिए नहीं तो ग्रेवी बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी। तो धीरे धीरे ऐड कीजिए, एक बार आपकी ग्रेवी थिक हो जाए उस स्टेज पर आप और स्लरी नहीं ऐड करेंगे। अब ग्रेवी की परफेक्ट कंसिस्टेंसी आ चुकी है, एकदम थिक हो गई है ग्रेवी। इस स्टेज पर मैं जो हमने फ्राई किया था पनीर वो ऐड कर रहा हूँ। पनीर ऐड करने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा हरा प्याज और थोड़ा सा मैं यहाँ पर मुट्ठी भर बेसिल के जो पत्ते हैं वो थोड़े से टेयर करके ऐड कर रहा हूँ। अब आपको ज़्यादा पकाना नहीं है इस स्टेज पर, अच्छे से स्टर कर लीजिए। जो पूरी ग्रेवी है वो कोट कर लेनी चाहिए पनीर को और पनीर हल्का सा और गर्म हो जाना चाहिए। 1/2 से 1 मिनट के लिए पनीर को पकाइए और हमारा पनीर एंड सोय बेसिल सॉस रेडी हो गया। रेस्टोरेंट स्टाइल वेज बर्न गार्लिक फ्राइड राइस और पनीर एंड सोय बेसिल सॉस रेडी हो गया है। नाउ लेट्स प्लेट इट YFL स्टाइल।
रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपीज बहुत ही डिलिशियस लगती है, ज़रूर बनाओ। और स्पेशली जो क्रिस्पी गार्लिक का जो मज़ा आता है इस फ्राइड राइस के अंदर, वो बहुत अच्छा लगता है। और ये क्रिस्पी गार्लिक अगर बच भी जाए तो एक एयर टाइट कंटेनर में आप बंद करके फ्रिज में रख सकते हो। कई सारी स्टार्टर रेसिपीज होती है चाइनीज़ की, उसमें ऐड कर सकते हो। सॉल्ट एंड पेपर बेबी कॉर्न, सॉल्ट एंड पेपर प्रॉन्स बनते हैं अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो, उसके ऊपर ये क्रिस्पी गार्लिक डाल के खाने में बहुत मज़ा आता है, वो भी ज़रूर ट्राई कीजिए। ये दोनों रेसिपीज़ घर पर रेस्टोरेंट स्टाइल वाली ट्राई करके देखो और मुझे कमेंट्स बताओ आपको कैसे लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू YFL इफ यू हैवंट येट। हैव एन अमेजिंग टाइम विद माय बर्न्ड गार्लिक फ्राइड राइस एंड पनीर एंड सोया बेसिल सॉस रेसिपी एट योर होम। चीयर्स।